देश भर में भाजपा द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान को और तेजी देने के मकसद से विभिन्न मोर्चों द्वारा बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के चलते बिलासपुर के भाषा एवं संस्कृति विभाग के सभागार में बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा धनेश्वरी ठाकुर ने की। तो साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती व संगठन मंत्री पवन राणा विशेष रूप से बैठक में मौजूद रहे। बैठक में सदस्यता अभियान के तहत अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ने के साथ साथ प्रदेश के दो विधानसभाओं धर्मशाला और सिरमौर के पछाद में होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा भी की गई। सतपाल सत्ती का कहना है कि पिछली बार जहां प्रदेश भर में चलाए गए सदस्यता अभियान के तहत 9 लाख लोगों को जोड़ा गया था, तो वहीं इस बार अभियान के तहत 5 लाख नए लोगों को जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के दोनों हलकों में होने वाले उपचुनावों में बीजेपी उम्मीदवार की जीत का दावा भी किया। हिमाचल प्रदेश सरकार में आवाकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव संजय कुंडू ने बिलासपुर में आवाकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक का आयोजन किया। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए संजय कुंडू ने कहा कि गत वर्ष जिला बिलासपुर को 350 कर के माध्यम से राजस्व इकट्ठा करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें 327 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त करने में उन्होंने सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया कि इस चालू वर्ष में जिला बिलासपुर में आवाकारी एवं कराधान विभाग के तहत 500 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें आज ही ज्ञात हुआ है कि संबंधित विभाग के जिला कार्यालय में भवन का अभाव है, क्योंकि जो भवन पुराना है उसमें वर्तमान समय में कर्मचारियों की अधिकता के कारण वे छोटा पड़ चुका है। ये मामला उनके ध्यानार्थ बैठक के माध्यम से लाया गया। इस मामले को प्रदेश सरकार के समक्ष रखा जाएगा ताकि शीघ्र नए भवन का निर्माण किया जा सके। इसके अलावा डेटा एंट्री लीपक की समस्या भी सामने आई है कि उन्हें कम वेतन दिया जा रहा है। इस मामले को भी प्रदेश सरकार के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जिला भर में एक ही वाहन आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करवाया गया है। इसके अलावा आवाकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को आने वाली समस्याओं का शीघ्र निवारण करने का आश्वासन भी बैठक के दौरान दिया गया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग व बिजली बोर्ड आईपीएच विभाग के साथ भी चर्चा की और बताया कि हमने सारे कामों की मॉनिटरिंग की है। उन्होंने बताया कि कुछ कामों में दिक्कतें आई हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्टर ओवरबीट करके ज्यादा काम ले लेते हैं, जिस वजह से काम लटक जाता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्टरों का काम रद्द करके किसी अन्य को दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष में क्वालिटी में काफी इम्प्रूव हुआ है और अगर क्वालिटी इम्प्रूव में आगे कोई दिक्कत आती है तो उसके खिलाफ कॉन्ट्रैक्टर व इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी के सीमावर्ती मंडियाली में श्रद्धालुओं से भरा हुआ टेम्पू अनियंत्रित होकर पहाड़ी से जा टकराया, जिसमें सवार लगभग 21 श्रद्धालु घायल हुए हैं। इनमें ज्यादातर श्रद्धालु पंजाब के लुधियाना से मां के दर्शन के लिए आए थे, जबकि टेम्पू हरियाणा नंबर का है और टेम्पू में सवार श्रद्धालु माता के दर्शन करके वापिस जा रहे थे। टेम्पू में लगभग 40 सवारियां थी। पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि श्रवण मास के दौरान ट्रक टेम्पू ट्रैक्टर में सवार होकर पहाड़ी क्षेत्रों में ना आए। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये श्रद्धालु वापस लौट रहे थे और नीचे उतराई के दौरान अचानक टेम्पू अपना नियंत्रण खो बैठा और
ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो गया तथा ड्राइवर ने उसे पहाड़ी की तरफ मार दिया। हालांकि अगर टेम्पो नीचे खाई की तरफ गिरता तो ज्यादा नुकसान हो सकता था। घायलों को तुरंत सीमावर्ती अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है, साथ ही टेम्पो को भी बाउंड कर लिया है। केंद्र व प्रदेश सरकार शिक्षा के ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए नई नई योजनाएं लागू कर रही हैं। इसी कड़ी में स्कूल प्रबंधन समितियों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने नई योजना बनाई है, जिसके तहत स्कूल प्रबंधन समितियों को जागरूक करने के लिए हर जिला में प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में डाइट मंडी में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय शिविर में स्कूल प्रबंधन समितियों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही सरकार की सोच की यदि समितियां सशक्त होंगी तो शिक्षा का स्वरूप बदलेगा और शिक्षा में गुण भी बढ़ेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यशाला के दौरान जिला परियोजना अधिकारी बलबीर भारद्वाज ने बताया कि डाइट मंडी में चल रही 2 दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से स्कूल प्रबंधन समितियों को सुदृढ़ करने के लिए कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रशिक्षकों को जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि डाइट मंडी में साल भर प्रशिक्षण शिविरों का दौर जारी रहता है। यहां शिविरों के माध्यम से शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए स्कूल प्रबंधन समितियों के सदस्यों व शिक्षकों को समय समय पर जागरूक भी किया जाता है।